गाइस वेलकम बैक कैल चल आई होप अच्छे होंगे। तो भाई फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 25,000 जल्दी से अगर इसको पूरा करा दो। तो भाई लास्ट एपिसोड में ट्रेवर फूफा जी की वो चली गई, भाई बहुत ज़्यादा दुख है मुझे इस चीज़ का, बेचारे के पास वॉच अभी नहीं रही है। फिर भी भाई हमने सारे काम करवा के रखे हैं, मैंने मैरी वेदर वाले बंदों का पता लगवाने की कोशिश करी है और मैंने बिग फुट जिन्होंने सारा काम करा सभी के पीछे अपने मिलिट्री वाले बंदों को लगा करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो भाई ज़रूर पता लगने वाला है। और फिलहाल हमारा प्यारा प्यारा छोटा सा रसगुल्ला कैसे सामने मेरे को देखने में लगा है और भाई बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करे जा रहा है, आप समझ गए क्यों, क्योंकि भाई इसको ऐसा पता नहीं भाई भी शौक लग चुका है रेसिस करने का, इसने मेरे सर में दर्द करके रखा है जब से मैं घर पर आके रखा हूँ, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करे जा रहा है, बोल रहा है ड्राइवर प्लीज लेकर के चल। इसको फिर से निकी ने न्यूज दिखा दी भाई, आज फिर से इसने कोई रेस देख ली है। दादी को लिबर्टी सिटी कंपनी आई है भाई जो यहाँ पे रेसिस करवाने में लग रही है, जो कल मैंने रेस पूरी करी थी ना अब तक वो कोई बंदा कर नहीं पाया, फिलहाल वो रेस भाई मैं ही अब तक जीता हूँ। तो हमारे प्यारे भाइयों ने एक और नई रेस बनाई है और डोगी भाई जिद करके बैठ गया कि ले करके चल ट्रेवर, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। डोगी बेटे देख मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं लेकर के चलूंगा तेरे को, टेंशन मत ले तू, मैं लेकर के चलूंगा। भाई देखो फिर से रिक्वेस्ट करने लगे कि ड्राइवर प्लीज लेकर के चलना, यार हद हो गई यार, एक टाइम था मतलब ये बिल्कुल भी बाइक पर नहीं बैठता था और अभी इसको बाइक पे बैठ करके आसमानों के ऊपर पार कर रेस करनी है, इतना ज्यादा चेंज मेरे प्यार डोगी। अच्छा देख चल मेरी बात सुन, मेरा प्यारा भाई है ना, मेरी बात मानेगा ना, बोल मेरी बात मानेगा तो पैर दिखा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मानेगा मेरी बात तो भाई चलो है तो काफी समझदार, बोल रहा है कि ड्राइवर क्यों नहीं मानूंगा तेरी बात। तो देख मेरे प्यार डोगी मेरी बात सुन, मैं अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम को वापस घर पर आऊंगा तब मैं तेरे को ले जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत ले, मैं तेरे को जरूर करवा दूंगा। तो फिलहाल भाई इसको आज फिर से पार कर रेस के लिए लेकर के जाना पड़ेगा, बट भाई अभी नहीं, पहले काम पूरा करेंगे उसके बाद इसको लेकर के जाएंगे। तो ठीक है मैं शाम को आकर के तेरे को ले जाऊंगा, चलेगा, कोई टेंशन तो नहीं है ना, मैं जरूर तेरे को रेस पूरी करवा दूंगा। तो फिलहाल भाई डॉगी बोल रहा है कोई टेंशन नहीं है ड्राइवर, तूने हाँ बोल दिया वही बहुत है मेरे लिए, तो ठीक है मेरे प्यारे भाई जल्दी से आजा, रस्सी बंधवा ले, तेरे को थोड़ी सी वॉक देता हूँ क्योंकि भाई फिर आपको पता है टाइम नहीं लगने वाला, जल्दी आया जल्दी से थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ। तो भाई फिलहाल मैंने बोल के तो सभी बंदों को रखा हुआ है, देखते हैं भाई बंदों क्या इन्फॉर्मेशन मिली और क्या नहीं मिली, आजा डोगी फटाफट से घूम ले बेटे क्योंकि बाद में तो पता नहीं कब आएगा ड्राइवर तेरे पास, फिलहाल इसके बोल के तो जा रहा हूँ भाई, देखेंगे करनी है रेस नहीं करनी, इसका दिल रखने के लिए बोलना तो पड़ता ही है, नहीं तो भाई खाना पीना नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, वैसे फूल के रसगुल्ला होकर रखा हुआ है और मेरे को ये जितना मोटा होता है उतना अच्छा लगता है, क्योंकि भाई पतला मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो भाई ये देखते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते, तो भाई अगर आप चैनल पर तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, रुपए लाइक एंड प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर दो, भाई वीडियो को लाइक नहीं करते जल्दी सागर वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो के लाइक का एम है 25,000 जल्दी सागर से पूरा करा दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया बाद में जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जीटी की वीडियो डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला। तो फिलहाल भाई इसको बाय बोलता हूँ और फटाफट से घर से बाहर निकलता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्ले भाई मैं निकलता हूँ बाहर, कितना क्यूट लग रहा है भाई, फोटो ले लो भाई अगर आपको भी सही लग रहा हो तो, मेरे को तो सच में बहुत बड़े लग रहा है बट फिलहाल अभी फोटो ले नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको रस्सी से बांध के रखा है, नहीं तो फोटो बहुत ही अच्छा इसका आने वाला है। भाई मेरे पास मेरे मिलिट्री वाले भाइयों का फोन आ चुका है और फिलहाल भाई मैंने अपनी बाइक ही ले ली है क्योंकि बाइक भाई मेरे को सही लग रही है, काफी फास्ट चलती है, टेलीपोर्ट करती है, जल्दी पहुंच जाएगा अपनी जगह पे। तो फिलहाल मिलिट्री वाले बंदे मेरे को भाई मिलना चाहते हैं, बोल रहे ड्राइवर सर आ जाइए, काफी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी करी है अपने उन्हीं बंदों के बारे में जिनको आप ढूंढ रहे हो, वही बिग फुट और वही आपके प्यारे मैरी वेदर वाले बंदे, जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है भाई चलते हैं अपने भाइयों के पास और बातें सुन करके आते हैं। भाई पहुंच चुके बंदों से मिलने के लिए, यहीं पर मेरे प्यारे भाइयों ने मेरे को बुलाया तो भाई अंदर ही चलते हैं, अंदर इनके लीडर बड़े बड़े वाले मतलब पोस्ट के बंदे मेरे को मिलने वाले, उनसे बात करता हूँ क्योंकि भाई उन्हीं को ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो भाई फिलहाल अभी तक मेरे को यकीन नहीं हो रहा डॉगी की बात पर यार, मतलब वो इतना चेंज उसके अंदर कैसे आ सकता है, एकदम से उसके अंदर बाइक से डरता था, बाइक पर उसने शेरों की तरह बैठना शुरू कर दिया और पार कर रेस के लिए भाई जिद करने लग गया, पहले वो गाड़ी के लिए घर के लिए जिद करता था, अब उसका लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो भाई आसमानों में रेस करना चाहता है ड्राइवर के साथ। वैसे यार मजा तो मुझे भी आता है उसके साथ में टाइम बिताने में, उसके साथ मजे करने में, वैसे चलो ठीक है ट्राई करेंगे भाई अगर टाइम लगा तो, बट अगर नहीं लगा तो फिर कोई बात ही नहीं। तो फिलहाल भाई यहाँ पे इनके बंदे खड़े हुए, हेलो मेरे प्यारे प्यारे चाचा, ओके भाई यही है मेन बंदे मैं सामने जा रहा था, मेरे प्यारे भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन दो फटाफट से, कुछ पता चला? भाई बंदों से बात हो चुकी, बंदे मेरे को बोल रहे हैं हाँ ड्राइवर सर काफी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, तो हमारे सारे बंदे शहर में फैले हुए हमने पता लगा लिया कुछ बिग फुट तो ड्राइवर भाई आपके नाम से इतना डर चुके हैं, वो तो बेचारे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, तो वो मेरे को मिलेंगे एक हैंगर में जो कि मेरा ही हैंगर है डेजर्ट में, वहीं पर बंदे मेरे को मिलने वाले। तो भाई उनको तो बहुत डर है ड्राइवर का, एक तो वो बंदे, दूसरे बंदे हैं बिगफुट जो कि मुझसे नफरत करते हैं और मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक उस टाइप के बंदे हैं, तो मतलब हर एक बंदे कैटेगरी में बढ़ चुके हैं भाई, डरने वाले, मेरे को मारने वाले, और तीसरे हैं मैरी वेदर वाले बंदे जिन्होंने भाई
वो भी डर चुके हैं, जिन्होंने कपड़े पहन के रखे हुए एक वर्कर के, और जो कि काम कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो कि टनल के नीचे वहां पे काम करने का ड्रामा कर रहे हैं। तो इन सभी को ढूंढ के निकाल दिया हमारे प्यारे भाइयों ने, और मेरे को फिलहाल यही बोल रहे हैं कि ट्रेलर भाई कुछ और बंदों का, उनके मेन मैनेजर्स का और लीडर्स का भी हम पता लगा रहे हैं। जब तक आप भी एक काम करिए, इन बंदों के पास जाकर के डंडा बजा के पूछिए अपने स्टाइल में, क्या बताए आपको जल्दी से बता दे, नहीं तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। अरे थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों, तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे काफी काम आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने इनको बोला था भाई बिग फुट के बारे में, मैरी वेदर का पता लगाओ, उसके बाद ही बस मैं अपनी वॉच को भाई कंट्रोल में कर सकता हूँ, वापस पा सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि जब मैं मैरी वेदर को डराऊंगा तो मैरी वेदर मुझसे डरेगी, और डरने के बाद मैं उनका बॉस बन जाऊंगा, और बॉस बनने के बाद मेरी वॉच वही खुद बना करके देंगे। फिलहाल भाई यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाबा ने साफ मना किया टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, और वॉच खत्म हो चुकी है। और भाई आपको पता है वॉच के बिना ड्राइवर बहुत कमजोर पड़ जाएगा, हमारी आधी पावर्स तो भाई वॉच से ही चलती है, आपको सबको ही पता है। तो इसलिए वॉच के लिए जो कुछ करना पड़े वो मैं करूंगा। अगर मेरे को भाई फ्रैंकलिन को भी मारना पड़े, मैं फ्रैंकलिन को भी मारूंगा। लेस्टर ने बोला कि भाई तेरी मर्जी है ट्रेवर, अगर सिचुएशन तेरे को ऐसे लगे कि फ्रैंकलिन को मारना सही है तो भाई मैं फ्रैंकलिन को मार दूंगा, अगले पहले एक मिनट भी नहीं सोचूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। फिलहाल चलते हैं भाई बंदों के पास, देखते बंदे कहाँ कहाँ पे बैठे हुए छुप करके। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, और भाई इसी जगह पर मेरे को मेरे प्यारे मैरी वेदर वाले बंदे मिलने वाले हैं, जो कि एक वर्कर बन के बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ये बंदे भाई देखो तो सही, मतलब इसको कहते हैं ड्राइवर का असली डर, यही तो डर मैं देखना चाहता हूँ बंदों की आंखों में, कि ड्राइवर को देखते ही बंदे अपना हुलिया बदल दे, वो अपने आप की पहचान ही बदल दे, और वो उन्होंने कर दिया भाई। तो यही देख रहे हैं, मेरे को ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिलहाल आप जैसे कि देख पा रहे हो, वाह भाई वाह, इतने सारे वर्कर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, और भाई देखो काम करने का ड्रामा भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई भाई, रॉकेट वाली कार, जो कि एक जोकर लेकर के आया था हमारे शहर में, ये गाड़ी मेरे पास है। तो फिलहाल भाई इनका ड्रामा देखो तो सही, देखने में काफी मजा आ रहा है। हेलो मेरे प्यारी प्यारी भाई, ली ली ली, मैं बड़ा परेशान हूँ। ठीक है भाई, अभी तेरे को और परेशान करेंगे, तो फिलहाल इनको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अबे ड्राइवर बे भाई, ये क्या हो गया, चलते चलते लड़खड़ा रहा है भाई, क्या हो गया, कमजोरी आ गई। ड्राइवर मैं पहले ही बोलता हूँ भाई, प्रोटीन वगैरह लिया कर, उम्र 55 की हो चुकी है भाई, अभी तुझसे चला भी नहीं जा रहा ठीक से, तू क्या गॉडफादर बनेगा, सच में यार ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया। चलते चलते गिर गया ड्राइवर, हद में जाके रखे। तो फिलहाल यहाँ पे इनका बॉस है इन्हीं को बोलता हूँ, चुपचाप इसके कान में एक बात बोलता हूँ, यही समझा देगा सभी को जैसे अभी समझाने में लगा हुआ है। भाई मैंने चाचा को सारी बातें समझाई, चाचा बोल रहे ठीक है ड्राइवर सर, जैसा आप बोलते हो ऐसा ही करेंगे। मैंने इसको ये बोला कि भाई चुपचाप अपने सारे के सारे चेलों को लेकर के मिलिट्री बेस में पहुंच जा, वहां पे कुछ मिलिट्री वाले बंदों को मैं फोन कर दूंगा, वो तुम्हें हैंगर में रखेंगे और मेरा वेट करना जब तक मैं नहीं आता, समझ में आएगा। तो फिलहाल भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनको इकट्ठा करके एक साथ रखता हूँ, और फिर इसके बाद इनको कुछ सोचेंगे, देखते हैं भाई क्या करना है। अभी नहीं मारूंगा, मैंने बंदों को बोल दिया, और बंदों को काफी डर मेरे लग चुका है, सीधा बोल रहा है कि ट्रेवर भाई ठीक है हम अभी निकलने वाले सारे सारे मिलिट्री बेस पर, आपका वेट करेंगे, प्लीज वहीं पर आ जाना। तो फिलहाल मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा पत्ता काटने वाला हूँ, बट बंदों को इतना डर है ये जाएंगे जरूर मिलिट्री बेस पे, और मैं कहाँ जा रहा हूँ पैदल पैदल। फिलहाल भाई बाइक ले लेता हूँ जल्दी से और निकलता हूँ दूसरी वाली जगह पे। इनसे मैंने एक और सीक्रेट बात पूछी, देखो भाई ये नॉर्मल वर्कर है, मतलब कि नॉर्मल मैरी वेदर के बंदे हैं काम करने वाले वहाँ पे, सिर्फ ये सैलरी के लिए काम करते हैं 12 घंटे के लिए, इनको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये तो मैनेजर तक के बारे में नहीं जानते। तो फिलहाल इन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन और दी है, एक जोनी नाम का बंदा है जो कि मेरे को मिलेगा भाई अभी एक हमारे शहर के क्लब में, जो कि बहुत फेमस क्लब है, वो आपने शायद से पहले देख के रखा हुआ है। तो मैं वहीं पे जाऊंगा, उस जोनी से मिलूंगा, तो उस जोनी के भाई पूरे अच्छे कॉन्टैक्ट है, वो मेन हेड है इन सभी वर्कर्स का, मतलब इन सभी क्लाइंट्स का जो कि मेरी वेदर में काम करते हैं। तो ये बंदा मतलब कि जोनी बंदा मेरे को शायद से उन मैनेजर्स के पास तक पहुंचा सकता है जो कि मेन हेड है अभी फिलहाल, मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं पूरी मेरी वेदर वाली कंपनी को फ्रैंकलिन के बाद। तो अगर मैं उन्हीं का गला पकड़ के उनको पीटूं तो फिर भाई मैरी वेदर मेरे पैरों पर छुप सकती है और फिर मैं उनका बॉस बन सकता हूँ फ्रैंकलिन को हटा करके, ये मेरे को सही लग रहा है आइडिया। तो जोनी जी के पास पहुंचता हूँ, ये हो गए भाई सेटलमेंट, ये पहुंच जाएंगे सीधा मिलिट्री बेस पे। भाई पहुंच चुका हूँ अपने उसी प्यारे क्लब में, आप लोग को एक क्लब याद ही होगा, अंदर चलते हैं, यहीं पर हमारा प्यारे जोनी चाचा हमको मिलने वाला है। तो जोनी चाचा की कमर तो मैं काफी अच्छे से तोड़ने वाला हूँ, अगर बंदे ने मेरे को सच्चाई नहीं बताई और मेरा साथ देने से मना कर दिया तो। हेलो आंटी जी, क्या हाल चाल है, आप एंट्री पर पहले तो नहीं खड़ी हुआ करती थी, लगता है भाई आंटी जी को नया रखा हुआ है। तो फिलहाल अंदर की तरफ निकलते हैं, मेरे पास फोटो है। लो भाई ये तो बंदा एंट्री पर ही मिल गया, मैंने सोचा मेरे को क्लब के अंदर जाना पड़ेगा, बंदों को पूछताछ करनी पड़ेगी, पीटना पड़ेगा, ये कौन है यहाँ पे, लॉस्ट का फूफा खड़ा हुआ है कोई, ले बेटा कैसी लगी, अली जूनी भैया आप डरने मत, आपसे तो बहुत जरूरी बात ही करने के लिए आया हूँ मैं। भाई जोनी तो बोल रहा है ट्रेर भाई पास बताओ, जो बोलना है वहीं से बोल दीजिए ना। तो फिलहाल मैंने इसको भाई साफ साफ शब्दों में दो चार बातें समझा दी है, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को मैनेजर चाहिए,
मेरी बैजर के, उनको मेरे तक लेकर क्या, चाहे तेरे को जो कुछ करना पड़े तू कर, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल भाई बंदे ने मेरे को बोला कि हाँ ट्रेवर सर, जैसा आप बोलोगे मैं ऐसे ही करूंगा, बट देखो मेरे थोड़ा को टाइम दो, क्योंकि उनको बुलाने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, वो बंदे इतने चालाक है, वो जल्दी से मेरी बातों में नहीं आएंगे। मैं करता हूँ मेरी वेदर के लिए काम, बट कभी कभी वो बंदे मुझ पर शक करते हैं। तो फिलहाल भाई बट बंदा प्रोमिस कर रहा है कि ट्रेवर भाई मेरे को थोड़ा टाइम दो, अगर मेरे को आप 1-2 घंटा दोगे तो मैं उनको लाऊंगा आपके पास मीटिंग के लिए धोखे से, और आप पकड़ के उनको पीटना, जो भी आप करना है कर लेना। तो चलो ठीक है यार, है तो वैसे दुश्मन पार्टी का बंदा, बट इस पे भरोसा करते हैं। तो जोनी चाचा, अगर आपने धोखा देने की गलती करी तो डंडा बैट देख रहे हो आप हाथ में, बहुत बुरा पिटोगे। जैसे चाचा को मारा ना ऐसा आपको मारूंगा। तो भाई बंदे को मैंने 2 घंटे दे दिए, दिखते हैं भाई हमारा प्यारा भाई 2 घंटे में काम पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। भाई अगर कर दिया तो बहुत मजे वाली बात है, मारूंगा तो मैं इसको भी बाद में, देखते भाई बंदा कुछ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, या फ्री में फेंकने वाली काम कर रहा था यहाँ पे सारे सारे। ओके भाई फिलहाल मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ से निकलते और अभी चलते अपनी तीसरी वाली पार्टी के पास, मतलब कि भाई मेरे एयरपोर्ट वाले हैंगर में, जहाँ पे भाई टर्पोक बिगफुट छुप करके बैठे हुए हैं। टर्पोक है ना, तो जाता हूँ भाई, चलो उनको लेकर के आता हूँ, उनको भी मिलिट्री बेस में पहुंचा दूंगा, वहीं पे इनका हिसाब करूंगा सभी का। भाई मैं अपने प्यारे एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, भाई सामने आप हैंगर देख रहे हो, आपको याद है या फिर आपने कभी नोट कराओ तो अपने ड्राइवर के हैंगर में मैंने गेट नहीं लगवा के रखे हो, तो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े गेट लगवा के रखे हैं भाई। लो भाई बिग फुट मेरे को दिखाई भी देगा, बेचारों ने सोचा होगा बड़े बड़े गेट लगवा देंगे तो ड्राइवर हमें देख नहीं पाएगा। अबे चाचा मेरे हैंगर को बंद कर दे तुम लोगों ने, तुम्हारा नहीं तो तुम अभी बनाऊंगा। तो फिलहाल देख रहे हो कैसे यहाँ पे बंदे खड़े हुए। हेलो प्यारे प्यारे आदि मानवो, तुम लोगों को डर लग गया ड्राइवर का, चुपचाप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहना, नहीं तो इतना बुरा पीटूंगा सही बता रहा हूँ मैं, बच नहीं पाओगे। तो फिलहाल भाई देखो सारे सारे कैसे चुपचाप खड़े। तो फिलहाल भाई एक काम करो, अगर जीना चाहते हो ना तो मेरी एक छोटी सी बात को मानो, सारे के सारे पहुंच जाओ मिलिट्री बेस में, वहां पे हैंगर में तुम्हें कुछ बंदे मिलेंगे वर्कर्स जो कि मेरी वेदर के हैं, उनके साथ में वहां पे जाकर खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुम लोगों का हिसाब करने के लिए। बट अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तब पता है ना ड्राइवर के पास कैसे कैसे हथियार है, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, समझ में आ रही है। और फिलहाल इनको एक बात और बोल देता हूँ कि जाते टाइम भाई अपने गेट भी लेते चले जाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ कभी भी, हद मचाते हैं भाई बंदे। तो भाई एक चीज़ तो मैं बोलनी भूल गया भाई, क्योंकि मिलिट्री वालों ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी है, मैंने भाई सुबह से ही मन बना के रखा था कि अगर मिलिट्री वाले बंदे मेरी हेल्प करेंगे तो भाई उनको भी गिफ्ट देना बनता है ना। भाई जब हम गैंग वाले बंदों को, जो दुश्मन है अपने ड्राइवर के सगे, मानता हूँ अभी दोस्त बन चुके ग्रीन गैंग वाले बाला वाले, एक टाइम पे सगे दुश्मन थे भाई, बिना उनको मारे ड्राइवर का खाना हजम नहीं होता था, तो जब मैं उनको गिफ्ट दे सकता हूँ तो मिलिट्री वाले बंदे तो इतने अच्छे भाई। तो एक काम करता हूँ, नीको फूफा का फोन करता हूँ, नीको फूफा जी मेरे को नहीं पता भाई मेरे को हायाबूसा चाहिए। तो भाई अपने मिलिट्री में जो बंदे हैं जितना मैं जानता हूँ जहाँ तक का हिसाब, तो भाई वो बंदे 5,000 से ऊपर है मेरे हिसाब से, अगर वो ज्यादा हो तो भाई ज्यादा बाइक्स मंगानी पड़ेगी। तो भाई मैं आपकी बार बाइक्स मंगाऊंगा, क्योंकि मेरे को बताया था कुछ टाइम पहले नीको ने कि उनका लिबर्टी सिटी में हायाबूसा बाइक बहुत ज्यादा मिलती है, वो आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो मैं नीको को फोन करके भाई कम से कम 5,000 बाइक्स मंगा लेता हूँ हायाबूसा, बाद में देखी जाएगी जितनी कम पड़ेगी वो बाद में मंगा लेंगे, फिलहाल 5,000 बोल देता हूँ उसको। भाई मैंने 5,000 बाइक्स का ऑर्डर दे दिया, नीको बोल रहा है ड्राइवर भाई यार तुम भी कमाल करते हो, कभी मंगाते हो 1,000 लैम्बोर्गिनी और अब सीधा एकदम से 5,000 हायाबूसा। चलो कोई टेंशन नहीं ड्राइवर भाई, आप जैसा बोलोगे ऐसा ही होगा, कुछ ही घंटे में बाइक्स को लेकर के मैं हेलीकॉप्टर से निकल जाऊंगा और आप तक पहुंच जाऊंगा। तो फिलहाल यार नीको सच में कितना पक्का दोस्त है यार, देखो तो सही बस बोलते बेचारा एकदम से आ जाता है। बट भाई एक बात और आप याद रखना, ड्राइवर की वजह से ही नीको है, मतलब कि ड्राइवर ने लिबर्टी सिटी एक तरीके से उसको गिफ्ट में दे करके रखा है। तो नीको यार मेरी इतनी बात तो मान ही सकता है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा सभी बाइक्स को लेकर के हेलीकॉप्टर को यूज करके। मैं जाता हूँ भाई अभी FIB की बिल्डिंग में, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो चुकी है भाई, मेरी वेदर वालों ने अपना असली रंग रूप दिखाना मेरे को शुरू कर दिया है, वो कि ऐसे उन्होंने भाई FIB बिल्डिंग में जा करके बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है, वहाँ पे आग लगने में लगी हुई है, कुछ बंदे मारे भी गए हैं, मेरे पास फोन आया लेसर का। तो भाई चलो जाता हूँ, तो इसका मतलब अभी जो भाई क्रिमिनल टाइप के बंदे हैं जो ट्रेवर को मारना चाहते हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ट्रेवर को मारने की, क्योंकि मैंने जितने बंदे भी पकड़े हैं वो सारे सारे बंदे डरपोक हैं, असली बंदे तो भी पकड़ने बाकी है। फिलहाल पहुंचता हूँ FIB बिल्डिंग में, चेक करके आता हूँ सारी चीजें। भाई पहुंच चुका हूँ जगह पे, तो भाई पीछे वाली तरफ ही हमारी FIB बिल्डिंग है, तो फिलहाल देखता हूँ भाई कहाँ पे आग लगने में लगी है। ओके भाई मेरे को आग दिख चुकी है, आपको दिखाई दे रही है ऊपर बिल्डिंग के टॉप पे, देखो भाई कितना ज्यादा धुआं निकलने में लगा हुआ है यार। सच में ये FIB बिल्डिंग तक पहुंचे कैसे, इसका मतलब भाई मेरी वेदर के साथ में कोई FIB का बंदा मिला हुआ है जिसने उनकी हेल्प करी है, क्योंकि भाई FIB की बिल्डिंग में घुस के बंदों ने ब्लास्ट करा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार, क्योंकि कोई बंदा ऐसे अनजान बंदा नहीं घुस सकता बिल्डिंग में। ड्राइवर अलग चीज है, ड्राइवर तो कमिश्नर है शहर का, वो तो कहीं पर भी आ जा सकता है, बट कोई आम बंदा और क्रिमिनल टाइप का बंदा घुसने की मतलब ही नहीं। तो भाई मैं पता करता हूँ, देखो सामने कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ हमारे भाई फायर ट्रक्स भी आ चुके हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे, अच्छा मेरे को बताओ यार क्या क्या नुकसान हुआ, मेरे को काफी दुख हुआ सुन करके, पूछ तो भाई सारी डिटेल्स, हम कमिश्नर भाई हमारा फर्ज बनता है पूछना। भाई मैंने सारी सारी बातें कर ली है, अफसोस की बात है भाई हमारे प्यारे बहुत ही कमाल के ऑफिसर्स मारे गए हैं, जो कि पूरा टोटल 15 है,
तो भाई 15 ऑफिसर्स मारे गए इस ब्लास्ट में जो कि ऊपर होने में लग रहा है। फिलहाल भाई बाकी सभी बंदे सेफ है और सभी को इतना गुस्सा है कि सभी गाड़ियां लेकर के यहाँ से निकल चुके हैं। पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है जिसने भी बम ब्लास्ट करा है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल भाई छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, फिलहाल मैंने भी नजारा देख लिया। भाई ऊपर जाकर के जाने की जरूरत ही नहीं है, फिलहाल जितनी बॉडीज थी उनको बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने की तैयारी चल रही है भाई, जो यहाँ पे फायर वाले थे बंदे थे ना वो सारे सारे ऊपर पहुंच चुके टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे आग बुझाने में लग रहे हैं। तो फिलहाल बस अभी मेरा काम यह है कि मेरे को पता लगाना है कि आखिर ये किया किसने है। मेरे को भाई कंफर्म पता है मैरी वेदर वालों ने करा, क्योंकि लेस्टर ने बुलाया तो कंफर्म ही बात होगी। फिलहाल लेस्टर से पता करता हूँ, लेस्टर लोकेशन बता, इनको बताऊंगा मैं एफआई बिल्डिंग में घुसने का नतीजा क्या होता है। भाई लेस्टर को मैंने बातें बोल दी, लेस्टर अपने काम पर लग चुका है। भाई मेरे पास है मिलिट्री वाले बंदों का फोन आया, भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं बंदे, इतनी काम की इन्फॉर्मेशन मेरे को इन्होंने दी है। बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि ड्राइवर सर बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन निकाली है, हमने उन बिग फुट को ढूंढ निकाला जो कि आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने शरीफ वालों को तो भेज दिया मिलिट्री बेस, बट जो खतरनाक बंदे हैं वो आपको प्लानिंग कर रहे हैं आपके डोगी को मारने की। बिल्कुल अभी ताज़ा खबर आई है हमारे पास भी कि घर पर डोगी है उसको मारने के लिए जाने वाले बंदे कुछ देर में। तो आप जल्दी से पहुंचिए पुराने वाले स्कूल में जो कि डेजर्ट में है भाई, वही जगह जहाँ पे अक्सर बंदे मिलते रहते हैं। तो वहीं पे कुछ बिग फुट है, कुछ अलग शहर के बंदे बुला के रखे हैं, उनको भेजेंगे मेरे घर पे डोगी को मारने के लिए। सच में भाई इनको मैं नहीं छोड़ने वाला, एक तो मेरा प्यार डोगी बेचारा बहुत उम्मीद में बैठा हुआ घर में, कब ड्राइवर आएगा कब हम रेस के लिए चलेंगे, उसको मारने के लिए जा रहे हैं। करता हूँ उनका इलाज, जा करके बनाऊंगा उनका नीता। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, चलो भाई अपने हाथों में प्यारी सी गन निकाल लेता हूँ। फिलहाल देखो मेरे को बंदा एक भी दिखाई नहीं दिया, बट भाई बोला हमारे मिलिट्री वाले बंदों ने तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही होगी। चल भाई ड्राइवर इनका नेता बनाने का टाइम आ चुका। ओके भाई मेरे को बिग फुट चाचा जी दिख चुके हैं, आपको दिखे क्या अभी दिखाता हूँ भाई, मैं जब गोली चलेगी तब आपको दिखेंगे। ये खड़ा हुआ है देखो यहाँ पे, ये ले बेटे प्लानिंग करेगा ड्राइवर के डोगी को मारेगा, वो भी भाई डोगी के लिए पूरे लॉस सैंटोस को बंदे को मार सकता है ड्राइवर। सच में भाई इतना प्यारा लगता है मेरे को बहुत ही ज्यादा, उसकी सेल्फी लेने का मन कर रहा था बट मैं ले नहीं पाया भाई क्योंकि रस्सी बांध करके मैंने रखी हुई थी। इतना प्यारा है लगता है वो, इतने प्यारे से पेट को बेसुबह जानवर को मारना चाहते हैं बंदे, हमें तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारा बोल नहीं सकता, सिर्फ अपने इमोशंस को दिखा सकता है, ये बात उसमें भाई पूरी आती है। और वैसे उसको ही नहीं भाई, हर एक पेट के दुनिया को सारी चीजें आती है, अपने बेचारे इमोशंस दिखा सकते हैं, बाकी चीजें भाई नहीं दिखा पाते क्योंकि बेचारे बोल नहीं सकते तो ज्यादा चीज समझा नहीं पाते। बट भाई आपके तो अकल की बात है, बंदे को समझना चाहिए कि आपका प्यारा डॉगी आपका पेट क्या बोलने वाला है, वो सब समझ जाते हैं। वैसे भाई अगर आपका पेट आपके पास काफी पुराने टाइम से रह रहा है तो हर कोई उसकी प्यार से बात समझ सकता है कि अभी डॉगी क्या इशारे कर रहा है, क्योंकि भाई बोल नहीं सकते बट एक्सप्रेशन पूरा खूब तरीके से दे लेते हैं। इतना तो मैं भी सीख गया भाई ड्राइवर के डॉगी को देख देख के सारी चीजें। मेरे पास रियल में कोई डॉगी नहीं है बट मैं इसको देख देख के समझ जाता हूँ आज इससे ज्यादा चीजें। तो ये ले बेटे आया मजा, बहुत ज्यादा लगने वाली है अभी गोली, ले बेटे आज बाहर निकल करके आ जा। तो फिलहाल भाई बंदे लगता है बहुत ज्यादा है, पता नहीं कौन सी गैंग के बंदे भाई ये, इनमें मेरे भाला वाले तो नहीं। अरे भाई भाला वाला करप्ट बंदा होगा भाई, मेरे वाले बंदे नहीं है उससे, भाई मैंने उनको बहुत पैसे दे करके रखे, मतलब इन्हें ड्राइवर के ऊपर भाई अटैक करेंगे। ये ले बेटे बिग फुट देखो कैसे पड़े हुए हैं, मेरे को मारेंगे। चलिए ड्राइवर को मारने वाले, इनको पता नहीं शायद से मर गए ड्राइवर को मारने वाले, भाई वो सच अच्छी बात है। अरे भाला वाले बेटे, अरे भाई इसकी तो गन ही उड़ गई, सॉरी चाचा जी, अभी इतने पास से जब आपको मिनी गन लगेगी तो ऐसे ही होगा। तो फिलहाल भाई काफी बंदे मैंने मार दिए, तो चलिए एक काम करता हूँ हर एक बंदे को तसल्ली से मार लेता हूँ एलियन गन को यूज करके और यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है भाई कि मैं इन्हीं बंदे को टाइम वेस्ट करूँ। ओके भाई मेरे को अभी दिखा कहाँ कहाँ पे बंदे थे, ये तो फायदा हो गया भाई, एलियन गन उड़ा करके बंदों को दिखा देती है कि यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, ये देख ड्राइवर एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो भाई मैंने सभी अपने प्यारे डॉगी के दुश्मनों को खत्म कर दिया है, उसको मारने के लिए चले थे। उसके लिए भी ये डायलॉग भाई पूरा होता है, मर गए डॉगी को मारने वाले, सच में भाई उसको भी हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है जब तक ड्राइवर जिंदा है। फिलहाल अभी भाई यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखते अभी क्या इन्फॉर्मेशन मिली लेस्टर भाई को, कुछ उसको पता चला है नहीं पता चला, सुबह से बेचारा लगा हुआ है पता कुछ नहीं कर पा रहा, वो पता करता हूँ भाई उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली। भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर ने बड़े काम के बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाली है। भाई जो हमारी एफआई बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है ना वो किसने करवाया है उसका पता चल चुका है, वो एक मैरी वेदर का बंदा है। फिलहाल अभी भाई वो हमारे एक बास्केटबॉल स्टेडियम में मैच देखने में लगा हुआ है, तो उसका बास्केटबॉल स्टेडियम में जाके नेता तो बनाना पड़ेगा ना। बंदा देखो आराम से वहां पे मैच देखने में लगा हुआ है इतने ज्यादा बंदों को मारने के बाद। तो फिलहाल देखो भाई इसको तो मैं हैंड टू हैंड मारूंगा, इसको ऐसा नहीं कि भाई मैं मिलिट्री बेस लेकर के जाऊंगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इसने काफी बड़ा क्राइम करा है तो इसका बदला लेना पड़ेगा। फटाफट से पहुंचता हूं बास्केटबॉल स्टेडियम में, जब तक बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं मिलती बस लगभग भाई मैरी वेदर मेरे कंट्रोल में आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बंदे उनको पकड़ के रखे हुए हैं। मेन बंदा जोनी मेरे पास लेकर के आएगा, क्योंकि भाई उसको बोल के रखा है लगभग उसका टाइम पूरा होने वाला है, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। अगर अब तक उसने नहीं बताया ना फिर बनाऊंगा मैं उसको नेता। फिलहाल बास्केटबॉल स्टेडियम में चलते हैं। भाई पहुंच चुका अपने शहर वाले बास्केटबॉल स्टेडियम में, भाई ये छोटा वाला स्टेडियम है, बड़ा नहीं है, यहाँ पे फेम और शेम की स्टूडियो भी है। तो भाई यहीं पे नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टेडियम है जहाँ पे एक लोकल मैच चल रहा है। फिलहाल मेरे को ये नहीं पता भाई कौन सी टीम यहाँ पे आकर के रखी है, बट मैच यहाँ पे जरूर होने में लग रहा है, कोई बड़ा मैच नहीं छोटा ही मैच है, नहीं तो भाई यहाँ पे भीड़
बहुत ज्यादा होने वाली थी। तो फिलहाल मैं अंदर इधर निकलता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हुए भाई शायद से एंट्री के लिए। मेरे प्यारे भाइयों खड़े रहो, ट्रेवर को देखो, ट्रेवर तो बिना परमिशन के अंदर जाने वाला है। अरे चाचा हट जाओ, कमाल करता है। तो फिलहाल भाई मैं सीधा डायरेक्ट निकलता हूँ। ओके भाई मैं पहुंच चुका हूँ हमारे प्यारे स्टेडियम में। भाई साहब यहाँ पे ग्रीन गैंग वाले बंदे हैं इस तरफ और इस तरफ भाला वाले। अरे भाई ये क्या देखने को मिल गया मुझे, मतलब भाई ये सगे दुश्मन ये मैच भी खेलते हैं। भाई मेरे को नहीं पता सच में आज के बंदे मैच भी खेलते हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा था या सुना था कि बाला वाले ग्रीन गैंग वाले बंदे ये खानदानी दुश्मन है, आपस में मारने के लिए पैदा होते हैं, ये एक दूसरे को ये मारते हैं। बाला वाले जब इनके घर में बच्चा पैदा होता है तो भाई ये यही बोलते हैं कि बड़ा होकर के ये 15-20 ग्रीन गैंग वालों को मारेगा तो मैं इसको गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो ऐसे ही भाई ग्रीन गैंग वाले बंदे बोलते होंगे कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होगा अगर ये 2-4 कोई मार देगा तो हम देंगे इसको लैम्बोर्गिनी। तो भाई आपस में ऐसे ही डिसाइड करते होंगे क्योंकि मेरे को इनका हिसाब देखने से यही लगता है। भाई ये खानदानी दुश्मनी निभाते आ रहे हैं। आज की लड़ाई नहीं है ग्रीन गैंग वालों की बाला वालों की, बहुत पुरानी फाइट है भाई और आज तक वो कभी शांत नहीं हुई। इनके बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं वो लड़ते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं फिर वो लड़ते हैं, ऐसे ही करते करते पता नहीं भाई कितनी जनरेशन निकल गई इनकी और आज तक इनकी कभी लड़ाई खत्म नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों भाई। चलो फिलहाल भाई हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे चाचा को चेक कर लेता, तो भाई मैंने देख लिया उसका फोटो, मेरे को फोटो भेज दिया था बंदे ने हमारे लेस्टर ने। तो कौन से भाई ले वो चाचा है भाई, चाचा को देखो। अरे मेरे भाई ये तो कुछ ज्यादा मजे लेने में लग रहा है। अरे रे रे यार देखो, बट चाचा की एक प्रॉब्लम है, बेचारे व्हील चेयर में बैठे हुए इनके पैर काम नहीं करते। तो चाचा ने सोचा चलो क्यों नहीं हाथों से ही मजे ले लिया जाए। तो फिलहाल चाचा जी भाई हाथ हिला रहे और पूरा मजे ले रहे भाई मैच का। और लो भाई मेरे को दुश्मन पार्टी का बंदा मिल भी गया सामने, जो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे काले सूट में बंदा एक तालियां बजा रहा है ना, वही बंदा है इसका नेता। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये ले बेटे कैसी लगी, आया मजा। तो फिलहाल चलिए भाई बंदे का नेता मैंने बना दिया है, ज्यादा टाइम है ही नहीं भाई रुकने का, कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता यहाँ पे भीड़ हो जाए और बंदे ज्यादा सवाल जवाब करे कि आपने कमिश्नर होके बीच स्टेडियम में मैच में गोली मार दी। तो फिलहाल भाई गोली मारनी जरूरी थी क्योंकि इस बंदे ने हमारे शहर के FIB ऑफिसर बिल्डिंग लगाई। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाई बड़ा बंदा सोच रहा था, बोल रहा था ट्रेवर इसको पकड़ नहीं पाएगा, यहाँ पे मजे ले रहा है भाई 15 ऑफिसर्स की जान को लेकर के। फिलहाल इसका हिसाब बराबर हो चुका है। लेस्टर से पूछता हूँ कुछ और काम है तो बता दे। भाई लेस्टर से बात हुई, लेस्टर बोल रहा है बाकी काम पे लगाऊं, और इन्फॉर्मेशन तो मेरे को नहीं मिली, बट मिलिट्री वाले बंदों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को। बोल रहे ट्रेवर सर हमें लगता है जो जोनी नाम के बंदे साहब मिले हो ना वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है, मतलब कि भाई मेरे को चीटिंग करना चाह रहा है, वो बंदा कुछ प्लानिंग बना रहा है मेरे खिलाफ, मेरे को जान से मारने के लिए, ना कि वो अपने मैनेजर्स को ढूंढ रहा है। मैंने बोला था मैनेजर्स को मेरे पास लेकर गया। तो भाई इस बंदे का हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा, मतलब इसने दिखा दिया ना कि भाई ये मैरी वेदर वाला बंदा है, ड्राइवर इसे भरोसा कर नहीं सकता। पहुंचता हूँ बंदे को फॉलो करता हूँ, उसकी लोकेशन बंदे ने मेरे को दे दी है। तो देखते भाई आखिर वो बंदा कैसी प्लानिंग कर रहा है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, बंदा देखो भाई सामने खड़ा हुआ है। भाई मैं देखो ज्यादा पास नहीं जा सकता, इसको कहते हैं मजबूरी, क्योंकि मेरे पास वॉच नहीं है, अगर इसने मेरे को पहचान लिया तो भाई सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। बट फिर भाई मैंने रास्ते से मास्क ले लिया है, बंदा मेरे को ठीक से देख नहीं पाएगा। तो सामने ही खड़ा होकर के एक बाला वाले बंदे से बातें करने में लगा हुआ है। चेक करते हैं भाई आखिर क्या क्या बातें चल रही है, जितना पास तक जा सकता हूँ जाने की कोशिश करूंगा। मतलब यार इतने ढीठ होते हैं बंदे, समझ में नहीं आता इसने मेरे को धोखा देने क्यों कोशिश करी। मैंने इसको इतने प्यार से समझाया था कि भाई मैं तेरे को जिंदा भी छोड़ दूंगा 1%, चलो मैं इसको छोड़ भी देता, बट अभी तो इसने कोई मेरे को मौका ही नहीं दिया भाई जिंदा छोड़ने का। यहाँ पे आराम से खड़ा होकर सिगरेट पी जा रहा है और सामने एक बाला वाला चाचा खड़ा हुआ है। इससे शायद यही बोल रहा होगा कि भाई ट्रेवर ने काफी परेशान कर दिया, ट्रेवर को मारने का तरीका निकालो, वो मेरे मैनी वेदर वाले बंदों को मारना चाहता है और मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा। तो फिलहाल तो भाई अभी ये बंदा बीड़ी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, तो काम कर लो इसको भाई स्मोकिंग करने दो। तो देखते कब तक स्मोकिंग करने वाला है। भाई इससे ज्यादा पास में नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा पास गया तो ये बंदा मेरे को देख लेगा। भाई फिलहाल बंदा गाड़ी में भागा बड़ी तेज स्पीड से, ड्राइवर चल 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 बाइक पे बैठ जल्दी से फॉलो करते हैं इसको, देखते बंदा कहाँ पे जाने वाला है। तो फिलहाल भाई बंदा भाग रहा है। अबे इनको क्या हो गया भाई, ये कैसे भाग रहे बाला वाले बंदे। अरे चाचा क्या दिक्कत है तेरे को, हंसते भाई सच में बाला वाले पागल वाले काम करते हैं। तो इसको आराम से फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मेरे को लेकर के जाएगा इसको। भाई फिलहाल अभी अब अगली बार जहाँ पे भी रुकेगा इसको मैं वहीं पे देखते सीधा गोली मार दूंगा, बात ही खत्म है। चलो चाचा जी धोखा देने का नतीजा भी दिखाऊंगा। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ड्राइवर इतना खतरनाक बंदा है, पूरे लॉस सैंटोस को पता है, गॉड फादर है ये, कमिश्नर है ये, KGF इसके इशारों पे चलती है, इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी बंदे डरते ही नहीं है यार, मेरे को समझ नहीं आया ऐसा होता क्यों है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिलहाल तो ऐसा गाड़ी बड़ी कम स्पीड में चला रहा है भाई, 50 से ऊपर ले नहीं रहा गाड़ी को, क्योंकि अगर मैं 50 की स्पीड करता हूँ तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो फिलहाल चलो भाई ये तो बड़ा थका हुआ बंदा मेरे को लग रहा है, गाड़ी इतनी अच्छी से लेकर के रखी हुई है बट फिर भी सिर्फ 50 की स्पीड में गाड़ी को चला रहा है। तो देखते हैं भाई आखिर कहाँ तक जाने वाला है ये, बिल्कुल ऐसे कछुए की चाल चल के। तो फिलहाल तो चलते हैं भाई, फॉलो ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं देखना जरूर चाहूंगा आखिर इसने प्लानिंग क्या बनाई है, प्लानिंग भी तो देखो ना इस बंदे की। तो फिलहाल भाई ये स्ट्रिप क्लब की तरफ जा चुका है बंदा, और देख तो भाई यहाँ पे इसने गाड़ी रोक लिया और सामने कुछ बाला वाले बंदे भी खड़े हुए जैसे कि मैंने देखे। अब की बार मैं थोड़ा पास जाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये बंदा गाड़ी से बाहर तो नहीं आया,
गाड़ी में बैठा हुआ है और सामने तीन बाल वाले बंदे खड़े हुए, तो शायद से भाई ये इनसे ही मिलने के लिए आया है। भाई जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा है, वो तीन बाल वाले जो सामने खड़े हुए हैं ये उनसे ही बातें करने के लिए आया। तो एक काम करता हूँ भाई, मैं साइड में चले जाता हूँ उनके और वहीं पे मैं कॉफी पीना शुरू कर देता हूँ उल्टा फेस करके, यही सही रहेगा, या फिर मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ उल्टा फेस करके डस्टबिन के पास में और इनकी बातें सुनता रहता हूँ आराम से। चल ड्राइवर बेटे यहाँ पे, तो एक काम कर सिगरेट निकाल ले भाई, सिगरेट तो हमारे ड्राइवर भी रखता है, पीता नहीं है बात अलग है, बट सिगरेट का बहाना ही बनाना पड़ेगा इनकी बात सुनने के लिए, नहीं तो। भाई मैंने सिगरेट निकाल लिया, ड्राइवर बेटे चला आराम से सिगरेट पीता रहे और इन सभी बंदों की बातों को प्यार से सुनता रहे फटाफट से, तो देखते भाई आखिर क्या बातें चलने में लग रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, कुछ तो चल ही रहा होगा भाई। भाई मैंने सारी की सारी बातें सुन ली है, अभी बंदे को नहीं मारूंगा, बंदे को बाद में मारूंगा, पहले प्लानिंग भाई जैसे जैसे करिए ऐसे हो तो जाने, तो कभी कुछ और ट्विस्ट आ जाए। फिलहाल बाला वालों से ये बात चल रही है कि ड्राइवर मेरे को मारने के लिए आया था, मेरे प्यारे बाला वालों प्लीज मेरी हेल्प करो, मैंने अपने सभी मैनेजर्स को जो हमारे मेरी वेदर के मेन मेन हेड है उनको सभी को बता दिया ड्राइवर की प्लानिंग के बारे में कि ड्राइवर मेरे पास क्लब में आया, उसने मेरे को डराया और बोला कि मैं सभी मैनेजर्स को एक जगह पे लेकर के आऊं जहां पे ड्राइवर उनको मार सके, तो मैंने ये बात उनको बता दी है। तो फिलहाल भाई पता है बंदों ने प्लानिंग क्या बनाई है, ये बंदे कुछ मिल करके मतलब भाई मैनेजर वहां पे सच में ही आएंगे जहां पे ये बंदा मेरे को बुलाएगा थोड़ी देर में, बट वो पहले से रेडी हो गए मेरे को जान से मारने के लिए, उनको सब कुछ पता होगा ट्रेवर वहां पे पहुंचेगा उनको मारने के लिए और वो पहले से रेडी रहेंगे, उनको भी ये पता रहेगा कि ट्रेवर उनको मारने के लिए आ रहा है, मतलब वो पहले से इतनी तैयारी करके बैठ जाएंगे कि मेरे ऊपर काफी तगड़ा अटैक वो करेंगे। बट फिलहाल चलो एक बात अच्छी है भाई कि अच्छा हो चलो बंदे आएंगे तो सही मिलने के लिए, आने दो तो हम तो तभी बंदों को नेता बना देंगे। तो ये सोच रहा है कि वो बंदे जब अगर प्लानिंग करके आएंगे तो मेरे को मार सकते हैं, अगर वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो बेचारे मारे जाएंगे। हद है भाई, अबे भाई अगर वो अपनी फौज को भी लेकर के आएंगे ना तब भी वो ड्राइवर को कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इसकी प्लानिंग को हो जाने दो, थोड़ी देर में मेरे को फोन करेगा, उसके बाद देखेंगे भाई कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, कितने मैनेजर है, कब आएंगे, करते हैं उनसे जाकर के मीटिंग बनाऊंगा इनका, नहीं तो तैयारी करके आएंगे मेरे को मारने के लिए। भाई नीको फूफा का फोन आ चुका है, नीको मेरे को बोलता है ड्राइवर भाई आ जाइए आपका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ, हायाबुसा आने लग रही है, कुछ आ चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए मॉडल आपको कैसा लगा। तो ठीक है भाई फटाफट से बोलते हैं, यार सच में नीको तो बड़ा ही सुपर फास्ट है, सच में भाई दो या तीन ही घंटे होंगे उस बात को और उसे सारा सारा काम कर दिया, पहुंचते फटाफट से। भाई पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे से डेजर्ट में मतलब एयरपोर्ट पे, सच में भाई नीको तू तो बड़ा ही कमाल है। तो फिलहाल भाई ये वाली आए उसे लेकर क्या है भाई, चलो कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, पिंक कलर में उठा के लेकर के आगे सारी, चलो भाई कोई टेंशन नहीं है, कलर चेंज कराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, $50 ही लगते हैं, आराम से कलर चेंज सकता है। बट फिलहाल भाई मॉडल मेरे को बहुत बढ़िया लगा भाई फिलहाल हायाबुसा का। अरे नीको भाई यार तुम तो बड़े फास्ट हो यार, फिलहाल मेरे को लगता है भाई ये हेलीकॉप्टर से इन ट्रक्स को बांध करके लेकर आया और ट्रक्स में ही सारी की सारी बाइक्स है भाई, तो इसका मतलब काफी बाइक लेकर के आ गया। नीको भाई कितनी बाइक्स आ चुकी है, मैंने 5000 बोली थी भाई, नीको मेरे को बोल रहा है ड्राइवर भाई 700 से 800 बाइक्स आ चुकी है, कुछ मैंने बाहर निकलवा दी और कुछ ट्रक्स के अंदर लोड है, टेंशन मत लो 2-3 घंटे के अंदर सारी बाइक्स आ जाएगी। ट्रेवर भाई लाने में टाइम लगता है यार देखो, क्योंकि उनको लेकर के आना पड़ रहा है हेलीकॉप्टर से, वो भी लिबर्टी सिटी से, और 5000 है कोई ऐसी भी नहीं, 5-10 बाइक्स हो तो थोड़ा टाइम लगेगा बट सारी आ जाएगी, हर एक बंदे को मिलेगी आप फिक्र मत करो, तो यही तो दोस्ती होती है भाई। तो फिलहाल एक काम करते हम भी थोड़ी टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं अपनी प्यारी प्यारी हायाबुसा की। तो ठीक है मेरे नीको भाई टेस्ट करता हूँ मैं कितनी स्पीड वाली हायाबुसा आई, तो फिलहाल भाई काफी बाइक्स तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तो फिलहाल ड्राइवर भाई थका इसको, वैसे मेरी R1 ज्यादा तेज भागती है, वैसे यार इसकी स्पीड कुछ कम नहीं लग रही मेरे को, वैसे है तो हायाबुसा बट भाई कोई टेंशन नहीं, अभी असल में मैंने को R1 वो अपने टेलीपोर्ट वाली मैंने चलाई है ना, तो मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए मेरे को बाकी बाइक्स ना कुछ कमजोरी लग रही है भाई फिलहाल, तो व्हीली बहुत अच्छी मारी है बाइक ने, मजा आ गया भाई, बट ज्यादा मजा भी नहीं आ पाया क्योंकि 175 तक भागी थी, चलो ठीक है भाई ये 200 तक अराउंड चली जाएगी और वैसे भी ज्यादा तेज भागी तो गड़बड़ जाएगी, मिलिट्री वाले बंदे भाई एक्सीडेंट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, अगर उनकी भाई मर्जी होगी तो अपग्रेड करा लेंगे, फिर आराम से 250-300 तक बाइक चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं, 250-300 की स्पीड बहुत ही अच्छी है। तो भाई बाकी बाइक्स को आने दो, उसके बाद बंदे को डोनेट करना शुरू करते हैं, मतलब कि गिफ्ट देना शुरू करते हैं मेरे प्यारे मिलिट्री वालों को, आज तो बहुत हेल्प कर रहे हैं और भाई उनको गिफ्ट मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि वो ड्राइवर पे ट्रस्ट करने लगे, अभी तक ड्राइवर को भाई देखो अच्छे से ट्रस्ट नहीं करते, सोचते कि मानते कमिश्नर है बट एक नंबर का गैंगस्टर भी है, तो आगे से ना फिर वो मेरे पे भरोसा करेंगे और मैं चाहता हूँ ड्राइवर पे इतना भरोसा करने लगे ड्राइवर जो बोले बंदे वही कर दे, तो यार वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो नीको भाई मेरे को बाइक्स बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी समझाता हूँ कि किस किस को आपको बाइक देनी है, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं कुछ मिलिट्री वाले बंदों को भेजूंगा थोड़ी देर में, सभी मिलिट्री वालों को शहर के बाइक्स देना शुरू कर देना, सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए ही बाइक्स मंगाई है मैंने और किसी के लिए नहीं मंगाई, ठीक है ना, वो आएंगे उनकी आईडी चेक करना और सभी को बाइक्स देना शुरू कर देना। तो फिलहाल ठीक है भाई मैंने नीको को सारी बातें बोल दी है, तो देखते हैं हमारा नीको वैसे अच्छे से काम करेगा भाई, आपको बताइए भरोसे का बंदा है और अजीब दोस्त है अपना पक्का, यहाँ से बाहर निकलते हैं वेट करते हैं भाई मीटिंग का,
जैसे ही फोन आएगा हमारे जोनी भैया का, पहुंचते मीटिंग करने के लिए। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, हमारे माइकल की जो हवेली है ना उसी के पीछे वाली जो हवेली है भाई उसी में मीटिंग रखी है बंदों ने। सभी के हाथ में पिस्टल है, तैयारी पूरी करके आए बंदे मेरे को मारने के लिए, मार नहीं पाएंगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मैं आपके मैनेजर से मिलने के लिए आया हूँ, मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, जो कुछ हो गया हो गया, आगे से ना वो मेरे रास्ते में आएंगे ना मैं उनके रास्ते में आऊंगा, तो फिलहाल भाई यही बोलना पड़ेगा। वैसे यार हवेली काफी अच्छी लग रही है, इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, मेरा ध्यान नहीं गया यार आज तक इस घर पे, मेरे को बड़ा प्यारा लगा भाई ये घर, इस घर को खरीदना बनता है ना। तो फिलहाल भाई चाचा खड़े हुए सामने, सिगरेट पी रहे, कॉफी पी रहे हैं, और भाई ये क्या देख लिया मैंने यार, मेरा विश्वास उठ गया इस लॉस सैंटोस से, इतनी ज्यादा कार्बन कॉपी यार सच में। मैरी वेदर के अंदर भी मैनेजर इसी शक्ल के हैं, अरे भाई साहब अभी मेरे को सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, तुम एलियन हो गए भाई, एक जैसे शक्ल के दो तीन आदमी चल जाते हैं बट इतने नहीं चलते, हजारों में हो तुम तो। फिलहाल भाई सारे के सारे चाचा एक जैसी शक्ल के, हेलो मेरे प्यारे मैनेजर हो, तुम्हें तो भाई मैं बात भी नहीं करूंगा, तुम्हें तो ऐसे ही मारूंगा। तो फिलहाल चल यार कंफर्म तो कर लेते हैं बंदे है कौन कॉम्प्रोमाइज के बहाने। फिलहाल भाई मैंने चाचा से बातें कर ली, चाचा मेरे को बोल रहे ड्राइवर देखो कॉम्प्रोमाइज कर लो और हमसे हाथ मिला लो और हमारे फ्रैंकलिन बॉस को छोड़ दो, अगर हमारे फ्रैंकलिन बॉस को नहीं छोड़ोगे तो ड्राइवर हम सभी तुम पर अटैक रोज करेंगे और कभी ना कभी तुम मारे जाओगे, तुम्हारा डॉगी मारा ही जाएगा, कब तक बचोगे। तो देख लो भाई धमकी दे रहे हैं मेरे डॉगी को मारने की और मेरे को मारने की, और बोल रहे फ्रैंकलिन को छोड़ दो, एटीट्यूड लेवल कम नहीं हो रहा, वो अभी मैं कम करूंगा। फिलहाल चाचाओं के पैरों में इतनी गोली मारूंगा, चाचा बेटे भागो 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 भागो, एक जैसी शक्ल लेके यहाँ पे आकर के रखे हो और मेरे को धमकी दे रहे हो, मेरे डॉगी को मारने की धमकी दे रहे हो, मेरे को मारते चलता उसको जो बीच में लाते ना बंदे तब मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है। अबे भाई वो बोल भी नहीं सकता, एक प्यारा सा पेट है उसको क्यों लाते हो बीच में, उससे क्या दुश्मनी है बंदों की, हद है भाई, हर बात में हर एक बंदा उसी को बीच में लेकर के आ जाता है। अरे चाचा जी ले बेटा गोली खा, ओह पीछे चला गया, चाचा जी बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाना ये सही है भाई, आज आ जा, देखो कैसे भाई आंखें निकाल के देख रहा है कि ड्राइवर अभी मार रहा है नहीं मार रहा, मारेगा जरूर। तो फिलहाल भाई ये सारे के सारे भाई कार्बन कॉपी मैंने यहाँ पे बेहोश कर दिया, ले लू कैसे पड़ा हुआ है, चाचा पेट में गोली लगी एक और खा लीजिए। तो फिलहाल भाई देखते हो कितने बंदे जिंदा बचे हुए, मारूंगा सभी को और इनके बाद पत्ता काटना है हमारे प्यारे बंदे का मेन का। तो देखो जैसे ही प्लानिंग करके आ रहे थे यहाँ पे, प्लानिंग पता नहीं भाई इन्होंने क्या करी, मैंने तो दो बेडमिन को मार दिया, मैरी वेदर वाले बंदो तुम ड्राइवर का कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो फिलहाल भाई ये सारे सारे मैनेजर्स थे जो मैनेज कर रहे थे फ्रैंकलिन के बाद में मैनेजर मैरी वेदर को, तो अब भी मैं सीधा मैरी वेदर के हेडक्वार्टर में जाऊंगा और उनको बोलूंगा मैंने मैनेजर्स मार दिए, मैंने फ्रैंकलिन को पकड़ के रखा है, अगर मेरे को तुमने अपना बॉस नहीं बनाया ना तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं सभी को जान से मार दूंगा। तो भाई मेरे को पूरा विश्वास है अब की बार मैं बॉस बनकर ही रहूंगा, क्योंकि बंदे सोचेंगे कि भाई ड्राइवर तो सभी को मार देगा, इससे अच्छा क्यों ना इसको बॉस बना दिया जाए। तो भाई मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि मैं बॉस बन सकता हूँ, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो फिलहाल चलो भाई लगभग मैंने बहुत बंदों को मार दिया यहाँ से और फाइनल टचअप देंगे एलियन गन से यहाँ पे ज्यादा टाइम, चाचाओ गाड़ियों के साथ चलो बैठे, अरे भाई साहब आ गया मजा, इसको कहते हैं असली स्वाद। तो वाह भाई वाह, आगे भाई लास्ट में ज्यादा टाइम देसी घी का तड़का लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता है देसी घी तो देसी घी होता है, ये नहीं मानेगा इसको भी देसी घी चाहिए, ले बेटे थोड़ा सा देसी घी तू भी खा ले। तो फिलहाल भाई देसी घी इसको भी चाहिए, ये ले बेटे। तो चलो भाई काफी देसी घी होगा, अभी ज्यादा नहीं खाते नहीं तो भाई बेहजमी हो जाएगी, बंदे को फिर हाजमोला की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ मैं, इनका पत्ता साफ कर दिया है, लेस्टर को बोलता हूँ जोनी की लोकेशन पता कर, उसका भी नेता बनाता हूँ फटाफट से जा करके। जोनी बेटे पंगा लिया ना, अभी देख पंगा लेने का नतीजा क्या होता है, सोच रहा होगा ड्राइवर कब तक मार दिया होगा। भाई मैं जोनी के पास पहुंच चुका हूँ, जोनी देखो भाई यहाँ पे एकांत में अलग बिल्कुल पूरे शहर से हाईवे के साइड में, मतलब यहाँ पे एक ट्रेन ट्रैक है, यहाँ पे साइड में खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है और सोच रहा है कि ड्राइवर से जान कैसे बचाऊं, बट ड्राइवर से जान बचानी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये आधी बोतल इसका इलाज करेगी। जोनी भैया जोनी भैया अभी आप पिटने वाले हो, कैसी लगी, मारूंगा भाई इस बंदे को, इसका पता नहीं है पीछे मौत खड़ी है, सिर्फ एक ही कदम की दूरी पर मौत है इसके, तो पता नहीं भाई बंदे को कैसा फील हो रहा होगा। फिलहाल तो बड़ी टेंशन में है कि ड्राइवर आते ही मार देगा। जोनी बेटे कैसा है रे, चल इसको फ्रंट से दिखाता हूं भाई, हेलो जोनी भाई क्या हाल चाल है। तो भाई जोनी मेरे को बोलता है कि ड्राइवर भाई कैसी रही प्लानिंग, तो भाई आप लोग ये सोच रहे कि मैं सच में इसको मारने के लिए आया था, मैं इसको यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया था भाई, जब मैं इससे मिलने के लिए गया था ना सबसे पहले क्लब में तभी ये प्लानिंग हमारी शुरू हुई थी। मैं आपको बताता हूँ क्या प्लानिंग शुरू हुई थी, इसने मेरे को बोला था कि ड्राइवर भाई मेरी वो बात इतनी ज्यादा नहीं मानते, आपको याद ही होगा मैंने बोला था भाई कि ज्यादा बात इसकी नहीं मानते, तो इसने मेरे को प्लानिंग बताई कि ड्राइवर सर मैरी वेदर वाले मेरे को पक्का विश्वास है आपके ऊपर नजर रख रहे होंगे, तो भाई सच में मेरे ऊपर नजर रख रहे थे पल पल की। तो इसने बोला क्यों ना ड्राइवर सर मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि वो उनको पता रहे और आपको भी पता रहे, मतलब भाई हमें मेन चीज बस ये करनी थी उन बंदों को अपने बेस से बाहर निकालना था, वो बेस से बाहर तभी आ सकते थे जब उनको ऐसा लगता कि ड्राइवर को जान से मार देंगे, नहीं तो बेस से बाहर ही नहीं आते, बेस से बाहर नहीं आते तो मैं उनको मार नहीं पाता। तो बेस से बाहर निकालने का हमने ये प्लान सोचा
क्यों ना उनको ये बताया जाए कि ट्रेवर उनसे दो कदम पीछे चल रहा है और वो ट्रेवर से दो कदम आगे चल रहे हैं प्लानिंग में। इसीलिए भाई मैंने इसको बोला कि तू एक काम कर, सभी को जाकर के ये बोल दे कि ट्रेवर ने तेरे को आकर के धमकी दी है कि अगर तू मैनेजर्स को बाहर निकाल के नहीं लाएगा तो ट्रेवर तेरे को जान से मार देगा। और फिर इसने भाई ऐसे सब कुछ जाकर के बोला और बोला कि सर आप बाहर आ जाइए, आप ज्यादा तगड़ी प्लानिंग कर लेना और मैं बताऊंगा ट्रेवर का क्या वीक पॉइंट है और आप ट्रेवर को आकर के मार देना। और बंदे हमारी बात में फंस गए, उन्होंने सच में सोच लिया कि वो ट्रेवर को मार देंगे और वो ट्रेवर से दो कदम आगे है, उनको क्या पता ये मेरी प्लानिंग थी उनको बाहर निकालने की। बेचारे फंस गए हमारे प्यारे प्यारे जोनी के प्लान में। तो जोनी भैया को भाई मैंने वादा करा था कि अगर तूने मेरा ये काम करवा दिया तो मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, तो फिलहाल भाई चलो इसको जान से नहीं मारते यार, हर एक बंदे को जान से मारना ठीक नहीं होता। इसको मैंने $10 मिलियन देने का वादा करा था। लेस्टर को फोन करके बोलता हूँ कि लेस्टर भाई जोनी के अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर कर दे, इस बंदे ने काफी हेल्प करी है, अकल लगाई है इस बंदे ने, जानबूझ के ऐसा दिखाया कि मैं पीछे चल रहा हूँ और वो मेरे प्लान को मेरे खिलाफ यूज कर सकते हैं, बेवकूफ बन गए बंदे। भाई जोनी के अकाउंट में $10 मिलियन आ चुके, जोनी बोल रहा है थैंक यू ट्रेवर भाई, मजे ले मेरे प्यार चाचा, अभी यहाँ से बाहर निकल जा नहीं तो मेरी वजह वाले तेरे को ढूंढ के बहुत ही बुरा मारने वाले। तो फिलहाल भाई चलो जोनी का किस्सा पूरा हो चुका है। तो भाई प्लानिंग करनी पड़ती है यार, आपको पता ही नहीं तो मेरी वजह वाले बहुत चालू होते हैं भाई, बिल्कुल बाहर नहीं आते। उनको मैंने ये दिखा दिया कि ट्रेवर को बेवकूफ बना देंगे, वो ट्रेवर की प्लानिंग से आगे उनकी प्लानिंग चल रही है, पागल बंदे। फिलहाल अभी पहुंचता हूँ मिलिट्री बेस, वहां पे जा करके बिग फुट मेरी वजह कुछ वर्कर्स मैंने पकड़े थे ना उनका हिसाब करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन आया मिलिट्री वाले बंदों को बोल रहे हैं ट्रेवर सर आ जाइए, सभी बंदे हैंगर में आपका वेट कर रहे हैं, पहुंचते हैं भाई जल्दी से। भाई मैं पहुंच चुका हूँ मिलिट्री वाले हैंगर में, तो फिलहाल भाई यहाँ पे वर्कर्स खड़े हुए हैं हमारे और हमारे प्यारे बिग फुट वेट कर रहे हैं मेरा ही। तो फिलहाल अगर मैं चाहूँ तो भाई 2 मिनट में मिनी गन को यूज करके इनको सभी को मार सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आ रहा है, क्यों ना इनको टॉर्चर करा जाए, ऐसा वैसा टॉर्चर नहीं, कुछ अलग ही एडवांस लेवल का टॉर्चर, और वो होगा मेरी एक प्राइवेट जेल में। भाई काफी टाइम से मैं ये सोच रहा हूँ, आपको पता है मेरे बहुत दुश्मन आते रहते हैं, पंगा लेते रहते हैं, मैं उनको मार देता हूँ फिर और आते हैं, तो क्यों ना आपकी बार बंदों को ना मार करके इनको जेल में बंद करा जाए। तो भाई काफी टाइम से मैं एक प्राइवेट जेल की सोच रहा हूँ लेने की, और जो कि मैंने भाई सेलेक्ट भी कर ली है, बट यार उसमें लेने में थोड़ा रिस्क है, बट अगर वो मेरे को मिल गई ना तो सारे बंदे वहीं पे शिफ्ट करूंगा अपनी प्राइवेट जेल में, वहां पे इनके ऊपर अलग अलग तरीके का टॉर्चर किया जाएगा और वो बहुत बड़ी जेल होने वाली है भाई मेरी ही। तो बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा, वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि ड्राइवर की अलग पर्सनली भाई प्राइवेट जेल होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है ड्राइवर के अलग ही लेवल के दुश्मन होते हैं, उनको सभी को अलग अलग जगह पे रखेंगे तब उनका इलाज होगा। ड्राइवर से पंगा लेने के लिए बंदे बार बार सोचेंगे भाई ड्राइवर तो पकड़ के जेल में डाल देता है और अलग ही इलाज होता है बंदों का। तो फिलहाल मिलिट्री वाले बंदे को बोलता हूँ कि भाई ये कुछ दिन को मिलिट्री बेस में रहने दो, अपनी जेल में बंद करो, जब मेरे को मेरी जेल मिल जाएगी मैं इनको वहां पे ट्रांसफर करवा दूंगा, यही सही रहेगा। और इनको बता देता हूँ कि जल्दी से पहुंचो डेजर्ट में, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैंने वहां पे तैयार करके रखा हुआ है। भाई ऑफिसर से बात हो चुकी है, ऑफिसर बोल रहा है ठीक है ट्रेवर भाई जैसा आप बोलोगे ऐसा ही हम कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, और ट्रेवर भाई गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई कोई टेंशन नहीं है, जल्दी से पहुंचो आप लोग डेजर्ट में, आप लोगों के लिए गिफ्ट रेडी है। तो फिलहाल भाई चलो मैं भी पहुंचता हूँ डेजर्ट में, क्योंकि अभी तक तो निको ने बहुत ज्यादा बंदों को गिफ्ट दे दिया होगा फोन कर करके, पता कर ले तो भाई कितने गंदों को गिफ्ट जा चुका है। भाई पहुंच चुका अपने डेजर्ट में, तो भाई मेरे को लगता है हमारे प्यारे मिलिट्री के बंदे आना शुरू हो चुके हैं भाई अपनी गाड़ियों में। तो फिलहाल भाई गिफ्ट इनको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने हायाबुसा मंगाई है भाई, हायाबुसा काफी अच्छी बाइक है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, भागने में काफी अच्छी है। हेलो ऑफिसर्स, हर एक बंदे को अच्छा गिफ्ट मिलेगा, आप टेंशन मत लो। निको भाई कितने बंदों को गिफ्ट दे दिया है, देखो कोई भी नहीं बचना चाहिए, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दो, कितने तक आपने डोनेट कर दिया जल्दी बताइए। बन्नी को मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर भाई 1500 से ऊपर बाइक्स मैंने दे दी है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बाइक्स आए जा रही है, बंदे आए जा रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है, 3-4 घंटे में 5000 से ऊपर मैं फिनिश कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो फिलहाल यार निको कितनी मेहनत कर रहा है मेरे, निको भाई यार तेरे लिए भी गिफ्ट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तूने 2 बार मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी भाई, लैम्बोर्गिनी इसने ही सारी डोनेट करी बेचारे ने, और हायाबुसा यही डोनेट करने में लग रहा है। देखो भाई मैं तो काम में बिजी था, अगर निको सच में हेल्प नहीं करता तो बहुत ज्यादा मेरा काम बढ़ जाता। तो निको ने भाई 1500 तो कर दी है, ये सारी कर ही देगा भाई 2-3 घंटे में, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट सोचना पड़ेगा जो इसके काफी काम आए। मेरे प्यारे ऑफिसर्स आराम से गिफ्ट को लेकर के जाओ, मजे लेना फिर, ठीक है ना। तो फिलहाल चले यार इस काम से मिलिट्री वाले बंदे खुश हो जाएंगे, और हमारा निको खुश करने का तरीका मेरे को सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं भाई मैरी वेदर का क्या रिएक्शन होने वाला है। मेरे को लगता है यार मैरी वेदर वाले जरूर मेरे को अपना बॉस बनाएंगे, और बॉस बनते ही सबसे पहला काम होगा वॉच को वापस सही करवाना, मतलब कि नई वॉच बनवानी। देखते भाई सब कुछ जैसा सोचा ऐसे ही होगा नहीं होगा। फिलहाल डॉगी बड़ा रो रहा होगा यार, मैंने उसको प्रोमिस करा था मैं तेरे पास आऊंगा, बट भाई क्या कर सकते हैं, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। चलो भाई कोई बात नहीं, बाद में जाने का सोचेगा उसके बाद। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के साथ इतनी आलोचना। ये वीडियो कैसी लगी तो भाईग्राफ चैनल पर तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो, और सर वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को लाइक का 25,000 जल्दी से आगे पूरा करा दो। और तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।